हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 7 ऑफ महाराष्ट्र टूर। आज हम लोग अकोला से अमरावती के लिए निकलेंगे, जो यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर से। पर अभी प्रॉब्लम ये हुआ है, अमरावती में लगा है कर्फ्यू, तो उधर का कुछ सीन पता नहीं। मैंने एक होटल को कॉल किया, वो लोग ने बोला कि कोई इशू नहीं, डायरेक्टली आ जाए, पर रस्ते में कौन अड़ा दे अमरावती में पता नहीं, थोड़ा डेंजर ही होने वाला है, तो कोई इशू नहीं है। चलो अभी निकलते हैं, थोड़ा इधर किला वगैरह किधर मिलता है तो देखते हैं फिर, क्योंकि आज मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी पहुँचे, अगर शाम हुई तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, अमरावती में इंटरनेट पूरी तरह बंद है, तो उधर जाके होटल ढूंढना मतलब डिफिकल्ट होगा, तो मुझे ध्यान में एड्रेस रख के ही जाना पड़ेगा। ये स्ट्रावा ने अभी दगा दे दिया डायरेक्टली, मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से टाइम उतना ही दिख रहा है, पर डिस्टेंस अभी रिस्टार्ट हो गए, तो स्ट्रावा का अभी लगता है लाइफ हो गया। इन लोग ने ऐप पे ध्यान देना चाहिए कुछ तो। मेरा 2000 का एक गोल था F1 राइड का, जाना तो अभी क्या करे, बंद कर देते स्ट्रावा। ₹10 का दे देना, कितना आएगा ₹10 में? 6 आएगा, 10 का 4 ही आएगा, ठीक है दे दो। पूरा टाइम अगर ऐसे ही रोड होगा ना तो भी मजा जाएगा। पहले स्ट्रावा ने दगा दिया, अभी गूगल मैप्स ने 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया आगे में, अभी बता रहा है आगे रोड ब्लॉक है, यू टर्न मार लो। मस्त रोड मिले, हवा भी ठंडा आ रहा है। वही बोला, साइकिल भाग क्यों नहीं रहा है? देखो साइकिल का हवा कितना कम हो गया, थोड़ा हवा भरते और आगे जाते। मैं 19-20 की स्पीड मेंटेन करके जा रहा हूँ, लेट्स होप जल्दी पहुँचे। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, नेशनल हाईवे का तो पूरा काम चले, इसलिए मैंने दूसरा रोड लिया। तो साला ये रोड पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, मतलब ये वापस वैसे ही होने वाला है, 30-40 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो, चलो कोई तो घूसर गांव में आए, अगर ऐसे ही कुछ ना कुछ बीच बीच में गांव आता रहा तो अच्छा है। तो जैसे सोचा था, 1 घंटे में 20 किलोमीटर हो गया, अभी 84 किलोमीटर अमरावती आने में और है। अभी थोड़ा रुक के 1-2 केला खा लेते, फिर थोड़े देर टाइम बाद आगे निकलेंगे। अभी हम लोग आए हैं गांव में आपा तापा, क्या नाम होते हैं यार, आपा तापा। चलो अच्छा है, एक एक गांव तो आ रहा है, तो रेस्ट लेने के लिए टाइम मिल रहा है। अभी आया अंबिकापुर, थोड़ा एक काम करते, अभी इधर किधर पानी का बॉटल मिला तो नया ले लेते। मस्त डेरी मिल्क मिला है, वो खाते हैं अभी। डेरी मिल्क ना मैं एक ही टाइम पे ख़त्म नहीं कर दूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ, और एक टुकड़ा मुंह में डाल के उसे मस्त ऐसा मुंह में रख देता हूँ, और धीरे धीरे वो स्वीटनेस आते रहता है और मेरा जर्नी होते रहता है। मुंह में मस्त चॉकलेट हो ना तो ऊपर चढ़ना भी इतना डिफिकल्ट नहीं लगता अभी।
राइट मारा तो मजलापुर और लेफ्ट मारा तो महिसांग। अमरावती यहाँ से 69 किलोमीटर है और यहाँ से दो रोड है, एक सीधा मूर्तिजापुर और लेफ्ट से दरियापुर से। मूर्तिजापुर वाला रोड तो एकदम ऐसा पहाड़ उबड़ खाबड़ दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है। चलो दरियापुर से ही जाते, सिंस मैं मुंबई से हूँ और दरिया किनारा हमारे पास में, तो दरियापुर से जाएंगे। थोड़ा आगे ऊपर चढ़ रहा है और मुझे थोड़ा स्लोप मिला तो थोड़ा भगाते ताकि इजीली ऊपर चढ़ पाए। तो देखो आदमी ना मस्त मच्छी पकड़ रहा है। कैसा ही है यार, हवा भी मस्त आ रहा है। इधर ही थोड़ा टाइम रुक के फिर निकलेंगे, पर ये पीनट्स लिए हैं मैंने, वो थोड़ा एनर्जी भी आएगा। ऐसा सुनसान रोड होता है ना, मैं कभी कभी सामने देखता ही नहीं, नीचे वाले पट्टी देख देख के चलाते रहता हूँ चलाते रहता हूँ। थोड़ा डेंजर है पर बीच बीच में ऊपर देख लेता हूँ। सुबह से सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है ना, धूप बहुत कम है, मतलब ऐसा लग रहा है सूरज भूल गया लाइट डालना ऐसा रचे। जैसे मैं बोला धूप नहीं है, साले ने बल्ब चालू कर दिया। चलो दरियापुर आ गया, अभी कुछ तो रुक के खा लेते हैं। अभी हुए हैं 2:15 और यहाँ से और 53 किलोमीटर बाकी, तो अभी निकलते तो ज़्यादा कुछ आज मेहनत करना नहीं, पर अभी धूप ना बहुत ही बढ़ गए तो भी आराम से जाएंगे, तो भी 6 के पहले पहुँचे जाएंगे। विदर्भ और अपने मुंबई का जो वेस्टर्न घाट्स का पट्टा है उसमें एक ही फ़र्क है कि इधर रोड के आजू बाजू ना बिल्कुल झाड़ नहीं है, और अपने वेस्टर्न घाट्स में दोनों तरफ झाड़ है, इसलिए उधर 50 किलोमीटर 2 घंटे में ही हो जाता है अगर फ्लैट सरफेस मिला तो, और इधर उस वही डिस्टेंस करने के लिए 3 से 3.5 घंटा लगता है। और 45 किलोमीटर बाकी, पर ऐसे ही रोड रहेगा ना मज़ा आ जाएगा, शांति से जाते जाएंगे, किसी की तकलीफ नहीं है, सूरज भी इतना अभी नहीं लग रहा। ऐसा रोड होता है ना एकदम सीधा, जहाँ पे आजू बाजू कुछ नहीं, तभी ना आपको दिमाग खाली रखना सीखना होगा। खाली मतलब नॉर्मली ऐसे रोड पे क्या होता है, जब ज़्यादा ऐसा भीड़ भाड़ होता है या ज़्यादा गाड़ी रहती है तभी आपको उधर ध्यान जाता है, तो दिमाग में इतना कुछ आता नहीं है। और ऐसा खाली रोड रहेगा ना तो कुछ ना कुछ नहीं दिमाग में चलते रहता है, तो वो इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरा बेसिक टेक्निक यही है, मैं क्या करता हूँ जितना पेडल हो रहा है ना वो एक बीट पकड़ता म्यूज़िक जैसा, 1, 2, 3, 4 ऐसा, और उसी पे पेडलिंग करते रहता हूँ। एक बार 100 काउंट हो गया वापस से चालू, ऐसे डिस्टेंस कभी कवर होते समझता भी नहीं है। अभी 5 मिनट हुआ मैं रोड पे साइकिल चला रहा हूँ पर एक गाड़ी पास नहीं हुआ है। अगर इधर किसी का कुछ हो जाए तो किसी को समझेगा भी नहीं।
अभी कुछ तो आराड़ा ऐसा कुछ तो गाँव है, क्या नाम है रे, आराड़ा। ये स्ट्रेट रोड पे अभी मुझे एक घंटा हो गया साइकिल चला के, अभी बजे 3:15 पर पता भी नहीं चला। मतलब मैं अपने ही धुन में पेडल गिन गिन के आ रहा हूँ, सच में पता नहीं चला और थकने भी नहीं हुआ इतना। ऐसा ही चाहिए साला क्लाइमेट, दोपहर के 3:30 बजे ठंडी लगने लगी है, जैकेट पहना है तो भी। वाह, ये हो गया बोराड़ा। और कुछ तो आ रहा है, रुको, राइट मारा तो मिलेगा जसापुर। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। आप लोग पुणे से जितने पास होगे ना, उधर ये नाम होगा सिंगणापुर और इधर लिखा है सिंगणापुर। यही तो विदर्भ का शान है, एकदम न से न हो जाता है। अगर पुणे कर कोई इधर होता ना तो इधर स्कूल ही लगा देता, न बोल न, न नहीं न। तभी तो वराड़ी वाला उसको रिप्लाई देता, अबे जा बे, बापाला शिकून राहू नको। ये रोड जब ये ऊपर जाता है ना ऐसा, तो भी बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि नीचे भी जाएगा, फिर समझ में आता है साला नीचे जा रहा है तो कभी ना कभी ऊपर भी तो जाएगा। भातुकली गांव, हमारे मराठी में एक बोलते हैं भातुकली सा खेल खेलते का, मीन्स अपने गुड़िया से क्यों खेलते हैं ऐसा, मतलब गुड़िया वाला खेल भातुकली। मतलब अपना रोड के दोनों तरफ खेत देखिए, इधर भी इधर भी, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स हो गया, दोनों साइड ऐसा ही खेत है और कुछ नहीं बीच में, इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं, ऐसा होना चाहिए यार। साला ये रोड ख़त्म ही नहीं होता, कब से चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट अभी 40 किलोमीटर्स होने हैं तो ख़त्म ही नहीं हो रहा भेंडी। हम लोग मलकापुर सिटी में थे और इधर मलकापुर गांव भी है। वाह, अगेन सेम सीन, सूरज नीचे जाते ही स्पीड बढ़ गया। ये देखो अमरावती बॉर्डर के पास आते ही मैसेज आ गया, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस इंटरनेट सर्विसेज हैव बीन स्टॉप्ड इन योर एरिया टिल फर्दर नोटिस। भग बैंडी, अभी होटल कैसा ढूंढूं मैं। ये अमरावती के पहले के 5 किलोमीटर है, मस्त ठंडा हवा आ रहा है, ऐसा झाड़ चाहिए आजू बाजू। तो पूरे दिन की मेहनत अभी करवा रहा है अमरावती, लास्ट में जो ब्रिज आया है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, ज़रा स्लोप मिला 5 मिनट चढ़ाने के बाद, और आई सामने भैंसे, अभी रोकना पड़ेगा। क्या है रे, ये स्पीड का वाट लगा दिया इन लोगों ने, क्या गोल 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 खेल रहे हैं देखो। से जाओ आजा बाबा जा, मेरे को मरना नहीं है मार खा के। अरे क्या मस्त रोड है, वाह वाह वाह। सच में कर्फ्यू है यार इधर, कोई है ही नहीं। अभी 5:30 बजे शाम के
और अंधेरा क्यों हुआ है मुझे समझ नहीं रहा है। जीपीएस चालू आहे म्हणून चालू आहे माझं, नाही तर जिओ आणि वोडाफोन कधीच बंद झालं। इकडे बंद होत आहे, इकडे फक्त कॉलिंग नाही। मी सगळं म्हणून काल रात्री त्यांना फोन केला, म्हटलं काय आहे, म्हटलं ये तू डायरेक्ट, पण कर्फ्यू लागलाय, रात्रीच्या आधी पोहोच म्हणाले। कोण राहते इकडे? कोण ना कोण नाही, हॉटेलमध्ये थांबणार। हॉटेलमध्ये कोणतं कोणतं हॉटेल? रिजन्सी काहीतरी। आता आपलं रिजन्सी कुठं हॉटेल आहे? एक मिनिट तुम्हाला सांग, ऐकल्यासारखं वाटून आलं ना, पत्ता सांग ऍड्रेस। मग पत्ता याच्यावर हॉटेल रिजन्स एवढंच दिलं, इकडे कुठेतरी चांदणी चौक मधून पुढे जाऊन। अच्छा अच्छा, चांदणी चौक हा 3 किलोमीटर अजून दाखवते, चित्रा चौकाच्या समोर इकडे। आज सातवा दिवस, सातवा दिवस। एका दिवसात किती किलोमीटर चालू? 100 100 ही दिला नाही तर। हा इकडे काय, हा इकडे हे जगताप पेट्रोलियम काहीतरी आहे तिकडे, आपल्या मालवीय चौकाच्या तेवढा, गव्हर्नमेंट टेक्निकल ज्युनियर कॉलेज आहे त्याच्या जवळ। हा जाऊ, थँक्यू। बेकार कर रे, पोलीस भी ऐसा पूछताछ करके छोड़ रहे। वो तो बेचारे छोड़ दिया, थकला है, जा तू आगे। अच्छा गंदा करते है, सिगरेट पिए, बियर पिए, फार्मी वाले सब है। इधर से जाओ, ये तो बंद है। छः बजे का हाल है इधर, रात हो गई पूरी। बार्गेन करके 700 में रूम लिया, क्योंकि होटल में और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। पूरा मतलब अमरावती बंद पड़ा है, पर एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया अभी, इन लोग के पास खाना नहीं है। ये 3-स्टार होटल है पर इधर खाना नहीं है, अब क्या करें, अभी देखना पड़ेगा। सामने एक 5-स्टार होटल है, उधर फ़ोन करके पूछता हूँ है कि नहीं, नहीं तो 2 केला पड़ा है मेरे पास, थोड़े पीनट्स है और चॉकलेट है, उस पर गुजर रात का करना पड़ेगा। बेकार है रे बाबा ये ट्रिप। जाने दो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।